हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेरे कुंज इंग्लिश 01 में। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए अपने कुंज सर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब इंट्रोगेटिव का नाम से ही क्लियर है, अगर इसका नाम गौर करो तो इंट्रोगेटिव मींस होता है प्रश्न, प्रश्नवाचक या प्रश्नात्मक। तो कोई भी एडवर्ब जो आपसे प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाएगा, एक बार गौर कीजिएगा, कोई भी एडवर्ब जो आपसे प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाएगा वैसे एडवर्ब को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। हम इसको डिफाइन इंग्लिश में ऐसे कर सकते हैं, एन एडवर्ब दैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। मैं आपको यहां पर डेफिनेशन लिख भी देता हूं, ज्यादा बेटर होगा। आप यहां पर कह सकते हैं एन एडवर्ब दैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। बस क्लियर है कि कोई भी एडवर्ब जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा वैसे एडवर्ब को हम लोग नाम देंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, एन एडवर्ब दैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नाम से ही क्लियर है, काफी है। अब देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं वीडियो बनाया था जिसमें साउंड नहीं आया था, तो चूंकि उस समय तो पढ़ाया था तो मैं एग्जाम्पल लिख लिख के बताया था। अब देखा उसमें, चेक किया तो उसमें साउंड ही नहीं आ पाया था, तो मैं इसको री वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर पहले से एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि दोबारा मेहनत क्यों करें, इसी से हम आपको समझा देते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारा सेंटेंस है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। अब हमारा यहाँ पर एक्शन वर्ड है, वर्ब है लिव। अब रहने को क्वालिफाई कर रहा है वेयर, कि आप रहते हो तो कहां रहते हो। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। क्या नाम देते हैं? एडवर्ब। और ये हमको कर क्या रहा है, तो ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन करेगा इसलिए इसको नाम देंगे कौन सी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड यू कम हियर, आप यहां कब आए। अब यहां पर देखिए, यहां पर काम हो रहा है आने का, तो ये हो गया वर्ब, कम हो गया वर्ब। अब आने को क्वालिफाई कौन कर रहा है, तो वेन, कि आप आए तो भाई कब आए, तो ये क्या किया, क्वालिफाई किया। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा उस वर्ड को हम लोग नाम देंगे कौन सी, एडवर्ब। अब क्वालिफाई करने के साथ साथ कर क्या रहा है, तो हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन करेगा इसलिए हम लोग इसको नाम क्या देंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है How long will you stay here? आप यहां कितनी देर ठहरेंगे। तो अब यहां पर देखिए, ठहरने को क्वालिफाई क्या कौन कर रहा है, How long, कितनी देर। तो जो वर्ब को क्वालिफाई किया तो वो हो जाएगा एडवर्ब। अब हमसे वो कर क्या रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है इसलिए इसको नाम देंगे कौन सी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एक और है, How much did you spend in shopping? आपने शॉपिंग में कितना खर्च किया। अब जरा गौर कीजिएगा, आपने खर्च किया तब खर्च करना वर्ब है, अब वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, कि खर्च किया तो कितना किया भाई, तो क्वालिफाई कर रहा है हाउ मच, तो क्वालिफाई किया तो नाम हो गया एडवर्ब। आपसे कर क्या रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन किया इसलिए इसको नाम देंगे कौन सी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एक और सेंटेंस है, हाउ फार इज द न्यूज ऑफ हर मैरिज ट्रू, कदा उसके शादी का जो समाचार है वो कहां तक सही है। अब देखिए, समाचार वो सही है, अब है या नहीं है इस चीज का भैया अर्थ स्पष्ट कर रहा है कि भैया कहां तक सही है। तो जो वर्ब को क्वालिफाई किया, मैं बार बार बोल रहा हूं एडवर्ब, और ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है इसलिए इसको नाम देंगे कौन सी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। फिर यहां पर देखिएगा, व्हाई आर यू क्राइंग, आप रो क्यों रहे हो, रीजन कारण पूछ रहा है। तो अब यहां पर बताया, ये आपको पूरा चिल्लाने का बात, चिल्लाने को विशेषता बताया, तो हो गया एडवर्ब। और आपसे क्वेश्चन भी करा कि भाई तू चिल्ला काहे रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसी में कहता है, व्हाई आर दे लाफिंग, वे हंस क्यों रहे हैं, तो हंसने को क्वालिफाई कौन कर रहा है,
वाई कर रहा है, तो एडवर्ब हो गया, कुसन कर रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। तो हम आपको एक चीज यहां पर बता दे कि जिस प्रकार से सिंपल एडवर्ब का हम लोग 7 काइंड पढ़े थे, उस तरह से इंट्रोगेटिव एडवर्ब का हम लोग 6 काइंड पढ़ते हैं, 6 काइंड होता है। तो पढ़ने के लिए यहां पर क्लियर है, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, उसर करने के साथ साथ ये जगह का बोध किया, स्थान का बोध किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहां पर कहता है व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहां पर कब आए, तो अब यहां पर व्हेन क्या कर रहा है, समय का बोध करा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। यहां पर कहता है हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, आप यहां कितना देर ठहरेंगे, तो ये भी हो गया आपको स्थान का बोध कराएगा। वैसे ही यहां पर कहता है व्हाई आर यू क्राइंग, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, तो ये कारण पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। तो इस ढंग से आप देखोगे तो सिंपल एडवर्ब का 7 काइंड है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब का कितना है, 6 काइंड है। तो इस प्रकार से आप सिंपल इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में पहले ही मैं समझा चुका हूं कि जिस एडवर्ब से टाइम का बोध होगा एडवर्ब ऑफ टाइम, जिस एडवर्ब से समय का आदि स्थान का बोध होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिस एडवर्ब से ढंग या रीज बताएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, जिससे कारण का बोध कराएगा कॉज बताएगा रीजन, जिससे कहते कितनी बार या कितने देर हुआ माने कितना बार हुआ उसको बताएगा फ्रीक्वेंसी, और जो उसकी अवस्था को बताएगा उसको बोलेंगे डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब को बड़े आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।